ऑपरेशन जागृति के तहत अनुपम कुलश्रेष्ठ अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में एक बृहद सकारात्मक आयाम देते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं के जागरूकता व स्वावलंबन एवं उनके प्रति होने वाले अपराधों में कमी लाने सामाजिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसे व्यवहारिक रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए जोन के सभी जनपदों में व्यवस्थित ढंग से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ महोदय की अध्यक्षता में यूनिसेफ के सौजन्य से उनके प्रतिनिधियों द्वारा थाना मुरसान क्षेत्र के ग्राम पटा खास में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत कार्यशाला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ शलभ माथुर, पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी सादाब गोपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर सुरेंद्र सिंह, प्रभारी महिला सहायता प्रकोष्ठ, बीट पुलिस कांस्टेबल आदि पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं एडीओ पंचायत बीडीओ मुरसान DNRLM परियोजना निदेशक यूनिसेफ टीम ग्राम प्रधान BTC सदस्य आसपास के गांव की महिलाएं बालिकाएं आशा संगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती महिला शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पुलिस पूरी तरह से हर समय आप लोगों के साथ है, आपकी शिकायत का हर संभव समाधान किया जाएगा, झूठे प्रकरण दर्ज नहीं होने चाहिए, इससे कानून का दुरुपयोग होता है। महिलाओं बालिकाओं के साथ घटित अपराधों से बचाव के उपाय व उनकी रोकथाम व कानूनी प्रक्रिया तथा छात्राओं बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएं जैसे यूपी 112 नंबर, वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी कोप ऐप 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु जानकारी दी गई। चार प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई की जा रही है। हमने जोन के 7 डिस्ट्रिक्ट्स मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, इन 7 जनपदों में ऑपरेशन जागृति के तहत उन्मुखीकरण कार्यक्रम यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। उसके बाद 62 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम, जोन के 62 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम चलाया। पुनः 130 पुलिस स्टेशंस जो जनपद विभिन्न जनपदों में हैं जोन के अंतर्गत, उनमें भी ये कार्यक्रम किया गया। और आज से हम 25 तारीख से हम ग्राम पंचायतों में उतर चुके हैं। ग्राम पंचायत के लेवल पे इस तरह का जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम हो रहा है, उनमें से एक यह भी कार्यक्रम है जहां हम ऑपरेशन जागृति के बारे में बात करेंगे। आखिर ये ऑपरेशन जागृति है क्या? जागृति, जैसा कि आप सभी महिलाएं हमारी इस तरफ और पुरुष हमारे इस तरफ समझते हैं, उससे वो काउंसलिंग के माध्यम से उभर पाए, ऐसा हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विभिन्न रेफरल सर्विसेज हैं उनके बारे में भी उसको जानकारी दे रहे हैं, ताकि उसको जो भी सहयोग शासन प्रशासन सरकार से मिल सकता है वो उसको मिले। दूसरा हमारा जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि जो फॉल्स रिपोर्टिंग वाले केसेस हैं उनसे हम पीछे हटें, यानी कि कई सारे जो ज़मीनी विवाद हैं और लैंड डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हों या पारिवारिक विवाद हैं, उनमें कई बारी ऐसी टेंडेंसी देखी जाती है, प्रवृत्ति देखी जा रही है कि वो महिला संबंधी अपराध के सेक्शंस जोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो पर उनको जोड़ दिया जाता है ताकि उनकी संगीनता बढ़ाई जा सके। जोन से एक और ये केवल आपकी आपकी सोच दी है और जिसके बाद आज ये गांव-गांव तक इस जागृति अभियान को पहुंचाया जा रहा है, क्या ये कभी पायलट प्रोजेक्ट होगा?
जी ये एक रूप एक तरीके से हम अपना सामाजिक दायित्व निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि हम समस्या को देख रहे हैं तो समस्या के जो मूल में जो जड़ है जो कॉज है उसको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा जोन का एक बेशक छोटा सा प्रयास है पर बहुत ही अहम और मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल प्रयास है। और इसका मैं आशा करती हूँ कि जब हम इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करवाएंगे 3 महीने के बाद तो ये पायलट प्रोजेक्ट मैं आशा करती हूँ कि पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। आप ऑपरेशन जागृति में जैसा कि पहले आपने इसमें तमाम मीटिंगें की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है और 100 से ज़्यादा अब तक बड़े कार्यक्रम भी हो चुके हैं। जी आगे और क्या रहेगा, ये कब तक चलने वाला है? जी ये करीब जनवरी के 3rd सप्ताह तक ही चलेगा और उसके बाद 3 महीने का हमने ये कार्यक्रम छेड़ा है। और आज हम जनपदीय स्तर पे पूरा कंप्लीशन कर चुके हैं, ब्लॉक स्तर पर पूरा कंप्लीशन कर चुके हैं और ग्राम पंचायत लेवल पर हम काफ़ी हद तक की आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी दिसंबर भर में हमारा ग्राम पंचायत लेवल पे ये कार्यक्रम चलेगा। पुलिस स्टेशन लेवल को भी हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और ग्राम पंचायत लेवल पर ये जनवरी दिसंबर और मिड जनवरी तक ही लगभग चलेगा। उसके बाद हमारी जो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी है वो कार्रवाई की जाएगी। 3984 गाँव तक पहुँचे और जैसे सभी प्रशासनिक जी, मेरा नाम भावना चौधरी है। तो भावना जी, आज यहाँ एक महिला अधिकारी एडीजी जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ यहाँ आई, महिलाओं को, बच्चियों को और सबको समझाया और ये कहा कि किस तरीके से हमें अपराध से बचना है, साथ ही साथ जागृत भी होना है, अपनी रक्षा का भी बताया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आपने उनका स्वागत भी किया। हाँ जी, मैंने उनका वेलकम किया था। एक्चुअली ये ग्रामीण क्षेत्र में मैम आई थी आज हाथरस के जिले मुरसान क्षेत्र में, तो मैम ने सबको जागरूक किया और उनको सॉल्यूशंस भी बताए अगर ऐसी स्थिति आती है तो तुम्हें क्या करना है। और लड़कियों को, लड़कों को पहले तो भेदभाव मत करो और बेटियों को माँ बाप से फ्रेंकली और फ्रेंडली रहने के लिए कहा कि मित्रता बरताओ, कोई उन्हें दिक्कत है तो उनसे कहो, उनसे शेयर करो, हर चीज़ शेयर करो उनसे। और मैम ने साइबर क्राइम अहिंसा जो आजकल बहुत हो रहे हैं, मतलब वीडियोस इतनी वायरल हो जाती है कि उससे बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सुसाइड भी कमिट कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और इसके बारे में मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताने के लिए, सबके माता पिताओं को बताने के लिए मैम आई थी। उन्होंने बहुत सारी बिंदुओं पर नज़र डाली। ग्राम पंचायत गोजिया विकास खंड मुरसान, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं, बच्चियां और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। जिला प्रशासन के भी काफ़ी अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश और आगरा जोन की एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ यहाँ आई हैं और लोगों को संबोधित किया है, समझाया। क्या कहेंगे आप? एडीजी महोदय ने बहुत जनता को, महिलाओं को, बेटियों के बारे में जो बातें बताई बहुत ही अच्छी, और उनसे महिलाओं पर, बच्चों पर, सभी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। उनके दिमाग में भी है कि हमको माँ बाप से मिल के चलना चाहिए और माँ बाप से शिक्षा लेनी चाहिए बिना माँ बाप के। आप प्रधान हैं, आप भी एक जनप्रतिनिधि, हाँ बिल्कुल, यहाँ की जनता के, बड़ी जनता के आप प्रतिनिधि हैं जी। आपका भी एक अधिकार क्षेत्र है कि आप भी महिलाओं को घर घर जाकर ये समझाएंगे और ऐसे ये अभियान जो चल रहे हैं जहाँ प्रदेश स्तरीय, मंडल स्तरीय और जोन स्तरीय। मेरा दायित्व बनता है, प्रधान होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, मैं अपनी ग्राम पंचायत में महिलाओं की मीटिंग करूँगा, मीटिंग बच्चों को, महिलाओं को, सभी को मैं बुलाऊंगा और जागरूक करूँगा, ये मेरा कर्तव्य बनता है। क्या नाम है आपका? चौधरी सोनवीर सिंह नाम है। किस गाँव के प्रधान है आप? ग्राम पंचायत गोजिया लगी हुई गाँव पंचायत है। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।